और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर रूस पर यूक्रेन का साइबर अटैक। तरह तरह के साइबर अटैक्स को यूक्रेन में बैठकर रशिया के खिलाफ किस तरह अंजाम दिया जा रहा है, ये आप देखिए। रशियन साइबर अटैक के जवाब में यूक्रेन साइबर अटैक की जोरदार तैयारियां कर रहा है। कीव से टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की आप एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर यूक्रेनियन हैकर्स को पहली बार देखिए। यूक्रेन लगातार कर रहा है रशियन साइट्स को हैक और इसके लिए किस तरह बड़े पैमाने पर हैकर्स की मदद ली जा रही है, किस तरह से हैकर्स जुटे हुए हैं देखिए। रूस की ओर से यूक्रेन पर साइबर अटैक किया जा रहा है और यूक्रेन की ओर से उसका जवाब देने की तैयारी हो रही है। यूक्रेन के कुछ वॉलंटियर साइबर हैकर हैं जो बाकायदा यहाँ के देखिए इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है फॉर हेल्प टू यूक्रेन, ये सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर के जरिए ये सारे जो हैकर्स हैं ये कनेक्टेड हैं, यूक्रेन के हैकर्स हैं और ये रशियन वेबसाइट्स पर अटैक कर रहे हैं। ये उसकी पूरी पूरी यहाँ पर तैयारी है और किस तरह से ये रशियन साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ सिस्टम लगा हुआ है। आप स्क्रीन देख सकते हैं, एक कंप्यूटर देख सकते हैं, इनके पास पूरा ब्यौरा है, डिटेल है रशियन साइट्स का और किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये हम तस्वीर देखेंगे। ये जो साइबर वार चल रहा है, एक तो ज़मीन की लड़ाई चल रही, दूसरा उतना ही इंटेंस साइबर वार चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 9 पर देख सकते हैं। 1 मिलियन PC यानी जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, एक साथ इंस्ट्रक्शन जाता है और सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। दो चीज़ उन्होंने बताई है, टारगेट पर है वहाँ की KGB जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम अब चेंज हो गया है और साथ में वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है। और यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी खबर, जहाँ पर कीव पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, हमले के डर से सड़कों से लोग गायब हो गए हैं। कीव पर एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी किया गया है, सायरन वहां पर लगातार बज रहे हैं। रूसी टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना पूरी तरह से तैयार है। कीव से आप देखिए अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये कीव का क्रिशियातिक स्ट्रीट है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा मोर्चे में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ का फ्रीडम स्क्वायर साल 2014 में जब क्रांति हुई थी तो यही उसका प्रतीक था और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो यूक्रेन के साथ जो लोगों का जुड़ाव है उसकी जो इबारत है, कीव के साथ प्रेम की जो तस्वीर है वो यहाँ पर अंकित है, छपी हुई है। सामने ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है और यही वो जगह थी जहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे रूस के खिलाफ। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इस जगह से उस जगह पर जाना हो तो किस तरह से, देखिए इस तरह की ये टैंकों को रोकने के लिए हेजहॉज लगाए गए हैं, इन हेजहॉज से आपको गुजरना पड़ेगा और इनसे गुजर करके ही आप उस पार जा सकते हैं। इसी जगह पर मैंने कई सारे यहाँ प्रोटेस्ट कवर किए हैं, जो यूनिटी डे की एक परेड हुई थी उसके लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर पूरा ये बंकर जैसा एक मोर्चा जैसा बन गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।